हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नेहा और मैं बहुत ही वीडियोस लेट अपलोड करती हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो अभी सुबह के अराउंड 7 बज रहे हैं और हम लोग गुवाहाटी के खानापारा एरिया में हैं। ये जो व्हीकल है, यहाँ से इस व्हीकल से हम लोग कहीं जा रहे हैं। हाय बाबू, हाँ का भाई बोनू, इतना सुंदर कपड़ा पहना बोल दिखा, झुमका भी पहना। अभी जिस ट्रैवलर पे हम लोग बैठे हुए थे वो हमें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि पहली बात तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था। इतनी सुबह सुबह कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने कैब बुक कर लिया और हम लोग नौगांव के लिए निकल गए। मैंने फ्रंट सीट ले लिया क्योंकि मुझे गाना प्ले करना था और व्लॉग भी बनाना था। और मैंने आज ये वाइट कलर का सूट पहना है जो कि मुझे बहुत ही किसी स्पेशल ने गिफ्ट किया था। और मुझे लगता है कि वाइट कलर जो होता है वो बहुत ही ऑस्पेशियस कलर होता है, इसीलिए मैंने आज का दिन चूज़ किया ये पहनने के लिए। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट गुड ओमन, गेस हमें रास्ते में क्या मिला। खोलो खोलो, वो दुकान है क्या? वो खोलो। बच्चा को ऐसे प्यार करके आऊं? नहीं, वो मान लेगा ना। खाने के लिए बोला? हाँ वही तो बच्चा को देंगे। हम हिंदुओं में ऐसा बोला जाता है कि महादेव ने ये बोला है कि मेरी पूजा करने से पहले आप हमेशा गणेश जी की पूजा कीजिए। तो रास्ते में जाते हुए हमें एलिफेंट मिला, तो हमें मतलब वी फेल्ट लाइक इट वाज अ साइन फॉर अस, तो बहुत अच्छा लगा। एंड आफ्टर 3 आवर्स वी रीच्ड नौगांव। सब करेगा ना पूजा। क्या क्या लेना, क्या क्या चलाना? मम्मी के लिए भी दिया। हाँ मम्मी के लिए भी जलाएगा। तो थाली तो ना तीन हो गया, तो तीन मेरा पूजा का थाली है और ये है बाबू का, ये दोनों का, दोनों दो क्यों? एक बुनू का दिया। ओ अच्छा, और ये प्रसाद, ये हम सब का प्रसाद है और दोनों ने बुनू का भी थाली पकड़ा। हम लोग तीन दिया जला रहे। इतना बड़ा है, ओ माय गॉड, इतना बड़ा नहीं सोचा था मैंने। मतलब मैंने फोटो देखा था आने से पहले, पर इतना बड़ा नहीं सोचा था। ये कितना फीट का होगा ना? नहीं ऐसे, क्योंकि ये तो ज्यादा ही ऊंचा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट है क्या? मुझे पता भी नहीं था। सिर्फ बुनू बोल रही है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग है। शिवलिंग नहीं, सॉरी शिवलिंग। वहाँ पे जो व्हाइट कलर का दाग दिख रहा है आपको ऊपर, मैं तो दिखा नहीं सकती, जो स्नेक के नीचे। बोल, यहाँ पे जब अर्थक्वेक आया था ना तो वहाँ से क्रैक हुआ था, बोला लास्ट ईयर शायद, लास्ट एक दो साल के आसपास एक बार अर्थक्वेक आया था। ये जो क्रैक है, ये वाला क्रैक, फिर उसको रेनोवेट किया। ये जो पीछे आवाज़ आ रही है, मंदिर में आरती चल रही है, तो हम लोग बिल्कुल सही वक्त पे पहुँचे। नारियल लेके जा रहे बुनु, बंदर नारियल लेके गया। आया। तो जो भी दिया जलाना था, अगरबत्ती जलाना था, फूल चढ़ाना था, वो यहाँ पे होता है बाहर। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, आरती चल रही है, तो अभी आरती देख सुनेंगे और प्रसाद पंडित जी को देंगे, फिर वो हमें प्रसाद देंगे पूजा करके। यहाँ पे बकरी भी है, मुझे बंदर भी दिखा इधर, पर यहाँ पे तो बहुत सारे कबूतर बैठे हुए थे। क्या बनाना खा रहा है? बकरी का साथ? ये तो खाता है तो ना बकरी, तो कुछ नहीं। बंदर था, भाग गया बंदर। और को दे, हाँ दे दो दे दो।
अलग वाला वाला बिचारा उसको भी दे दे दो आ रहा लेने उसका बच्चा बच्चा को बच्चा लेके घूम रहा है साथ में अन्ना आया बच्चा उससे ले रहा है माँ बच्चा को दिया नहीं तो वो बच्चा गोदी में चिपक के बैठा हुआ है अन्ना क्या है ये आया पहली बार देखा मैंने देखो बच्चा कैसे लटक रहा है माँ से ये बंदर ने पहले वो वाला डस्टबिन गिरा के चेक किया कुछ खाने का है क्या अभी ये कर रहे हैं डर लगता है थोड़ा ज्यादा पास मत बुलाओ ये लोग थप्पड़ मार देते हैं डर भी लगता है थोड़ा ज्यादा सामने आने मत दो पर थप्पड़ मारेगा ग्रुप फोटो ले लेते हैं हम अभी एक बार हम इसे बनाएगा सोचा था हमको ये चुन दो क्या देगा ठीक है डन सेल्फी डन हम गुच अप दिया मतलब कि ये शुभ लकी होता है लेकिन ना कबूतर का गुप पे पाँव रख दिया सब कुछ करने के बाद हम लोग थोड़ा अकेले अकेले बैठे रहे ऐसे ही मतलब थोड़ा पीस के लिए और यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा इसके बाद हम लोग वहाँ से निकले हम लोग आए हैं अभी अनुराग ढाबा समथिंग स्पेशल पता नहीं क्यों समथिंग स्पेशल लिखा है हम लोगों को आज वैसे भी एक तो मंदिर जाके आए हैं प्लस आज थर्सडे है तो हम लोग नॉन वेज नहीं खाते तो यहाँ पे अनुराग ढाबा शायद वेजिटेरियन मिलता है ऐसा सुना है तो हम यहाँ पे कुछ खाने आए हैं अभी कॉपीराइट ना लग जाए हमारे यहाँ इसको ना ढाबा बोलते हैं ना रेस्टोरेंट बोलते हैं इसको बोलते हैं लाइन होटल हमारा निरामिष थाली है ये है कैबेज बैंगन पापड़ ये भी बैंगन है करेला और ये लाओ है ना आलू है ना आलू और ये तो कुछ तो चटनी है ये सरसों का चटनी और ये है मिक्स वेजिटेबल फ्राइज दो तो दाल क्यों अलग अलग दाल दुनिया हिल जाए पर ये नहीं हिलेगा भाई हाँ कि अभी मत आओ पीछे अभी मत आओ राजा बन के सो रहा है राजा बन के अब आके मेरे पास आया देखो अब इसको घूमना है आके हम थोड़ा सो गए थे क्योंकि ना सुबह हम लोग 5:30 के आसपास उठे नहाया फिर निकले तो इसलिए अच्छे से नींद नहीं हुई थी तो ना सोई आके अभी शाम के 5 बजे करीब अभी निकलते हैं हिकी को थोड़ा वॉक कराने हिकी को बहुत मिस किया आज बहुत बेचारा दिन भर कितना 6-7 घंटे अकेले था बाहर अकेले मतलब अकेले नहीं था लोग थे यहाँ पे लेकिन भी मेरे साथ नहीं था तो इसलिए मैं इसका ना वो ढूंढ रही हूँ मतलब बेल्ट हार्नेस या कुछ ढूंढ रही हूँ कुछ मिल ही नहीं रहा कहाँ रखा है पता नहीं चेन तो मिल गया लेकिन मुझे हार्नेस नहीं मिल रहा इसका बहुत ठंड हो गई तो मैंने हिकी को स्वेटर पहना के निकाली चलो चलते हैं दूध भी लेते हैं आके कॉफ़ी पीते हैं वो अंकल बार बार देख के हंस रहे हिकी को हिकी सुसु कर रहा है हिकी को नहीं घुमाया ना आज हम लोग घूम के आ गए हिकी को तो नहीं ले जा पाए यहाँ पे ना एक कैफ़े है नाम भूल गई मैं वहाँ पे मतलब पेट फ्रेंडली है सुना है मैंने तो शायद एक बार हिकी को लेके जाओ अगर ये बिहेव करे तो ये ऐसा खींच के जाएगा तो मैं नहीं ले जाऊंगी हिकी घर में रह रही है उसको नो 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 वो आ रहा था काटने की क्या पता नहीं मतलब एकदम अटैक वाला मोड पे आ रहा था नो 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 चलो हिकी कुछ नो 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 हिकी तुमको क्या गुस्सा दिखा रहा हिकी देखा बिहेव करना नहीं आता बोला ना मैंने कुछ नो नो हिकी इतना छोटा हो गया देखो मैं आपको दिखा दिया साइज देखो ये इतना सा होके उसको भौंक रहा है उसको शर्म भी नहीं है इसको तो क्या अगर मैं छोड़ दूँ तो क्या करेगा क्या लड़ेगा क्या लड़ेगा क्या हाँ लड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल ये हो गया मतलब बदतमीज बच्चा ठंडा लगी गोल थैंक यू गाइस मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में
तो ये लोग मैं अपने शाम की कॉफ़ी के साथ यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़, बाय बाय।